गुड इवनिंग एवरी वन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंग्लिश मेरा नाम है उदिशा और आप लोगों की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास के साथ मैं यहाँ पर जुड़ रही हूँ आपकी स्पोकन इंग्लिश सीरीज का नेक्स्ट क्लास है ये ये है स्पोकन इंग्लिश में क्लास नंबर ट्वेल्व अभी तक आपने ग्रामर सीखा है थोड़ा बहुत वोकेबलरी सीखा है अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है हम क्या करते हैं ना जब हमें थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आने लगती है तो हम लोग बहुत घिसे पिटे फ्रेजेज ही बार बार यूज करते रहते हैं थोड़ी सी खुद की क्रिएटिविटी थोड़ी सी खुद की मेहनत लेकिन उसके साथ साथ जो कॉमनली अवेलेबल स्ट्रॉन्ग फ्रेजेस हैं उन्हें भी यूज करना अब आपको शुरू करना चाहिए और इसीलिए मैं आज लेकर के आई हूं आपके सामने दस ऐसे फ्रेजेस जो आपकी पब्लिक स्पीकिंग में बहुत हेल्प करेंगे यानी अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो अक्सर प्रेजेंटेशंस देते हैं या फिर आ, एक बड़ी संख्या के साथ बातचीत करते हैं, लोगों को बड़े लो, रुक जाती हूं मैं <laughs> क्योंकि कभी कभी ज़बान फिसलना शुरू करती है तो करती ही जाती है लेकिन तो जो मैं कह रही थी कि एक लोगों की बड़ी संख्या के साथ अक्सर बात करते हैं तो आपके लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्लास क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को आज की सबसे बड़ी खबर सुना दूं कि आप लोगों का जो अर्ली बर्ड ऑफर है जो कल की आपके नए स्पोकन इंग्लिश बैच पे चल रहा है सबसे पहले तो इस बैच के बारे में जान लो कि ये एक रिकॉर्डेड बैच है लेकिन फ्रेश मिलेंगे, चाहे ग्रामर हो हो स्पीकिंग की टाइम पे अपनी स्पीड पर घर बैठ के ऑफिस बैठ के मेट्रो में बस में जहां मर्जी वहां से देख सकते हो ठीक है पहली चीज दूसरी चीज जब यह कोर्स पूरा हो जाएगा तो आपको कंप्लीशन का सर्टिफिकेट भी मिलेगा ठीक है अब जो सबसे बड़ी खबर है कि अभी अगर आप 10 जुलाई 8 बजे से पहले 10 जुलाई शाम 8 बजे से पहले इस बैच में एडमिशन लोगे तो ये बैच को सिंगल प्राइस कितना है इसका फाइव हंड्रेड ओनली ठीक है आप इस प्राइस पे सिर्फ ये बैच नहीं पाओगे अगर आप 10 जुलाई से पहले एडमिशन लोगे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट के पांच घंटे की क्लासेस और इंटरव्यू प्रिपरेशन की पांच घंटे की लाइव क्लासेस बिल्कुल फ्री मिल रही ये दोनों चीजें तो टाइम मत वेस्ट करो बिल्कुल मौका मत जाने दो क्योंकि दस जुलाई के बाद ये दोनों चीजें हट जाएंगी आपको सिर्फ कल की बैच मिलेगा स्पोकन इंग्लिश वाला स्पोकन के साथ साथ यार पर्सनैलिटी और इंटरव्यू की तैयारी बहुत जरूरी होती है इसीलिए लिमिटेड टाइम ऑफर है क्योंकि मुझे भी, भी भीड़ नहीं भरनी है पर जो जरूरतमंद लोग हैं उन लोगों को ये सारी चीजें सिर्फ 552 में मिल रही कोड आपको पता ही है कोड से ही ये आपको पूरा का पूरा ऑफर मिलेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं देखते हैं हमारा पहला फ्रेज लेट्स डेव इन टू द हार्ट ऑफ द मैटर जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक मुद्दे पर बहुत डीपली बात करना चाहते हैं हम कहते हैं चलो इस बात को गहराई से समझते हैं या आइए आपको इस बात के बारे में गहराई से बताती हूं बताता हूं तो कैसे बोलेंगे आप कहेंगे लेट्स डेल्व इन टू द हार्ट ऑफ द मैटर यानी कि आइए इस बात को गहराई से समझते हैं मेरे साथ बोलिए लेट्स डेल्व इन टू द हार्ट ऑफ द मैटर तो इस तरह से शुरुआत करिए अपने प्रेजेंटेशन की अपनी मीटिंग्स uh, की अपने डिस्कश की और आप अलग ही एक इंप्रेशन क्रिएट करेंगे नेक्स्ट देखिए अलाउ मी टू पेंट अ विविड पिक्चर फॉर यू तो जब भी मैं आपको कोई चीज पढ़ाती हूं सिखाती हूं समझाती हूं, मैं आपके सामने एक पूरी पिक्चर बनाती हूं कि मान लो तुम्हारा दोस्त है और उसको लेट हो रहा है और तुम्हें उसे घर भी छोड़ने जाना है तुम्हारे घर से भी फोन आ रहा है तो तुम ये फ्रेज बोलो तो मैं क्या करती हूँ आपको पूरा एक सीन क्रिएट करके दिखाती हूँ राइट कि ऐसा ऐसा सीनारियो है तो जब आप बात कर हैं, तो आपको भी हर बात को एक बहुत क्लियर पिक्चर में बहुत क्लियर सेटिंग में दिखाना चाहिए और वही दिखाने से पहले आप कहिए अलाउ मी टू पेंट विविड पिक्चर फॉर यू यानी मुझे परमिशन दीजिए यानी मुझे इस बात की आ, को अलाउ करिए कि मैं आपके सामने इस बात को बहुत क्लैरिटी के साथ रख पाऊं जैसे मान लो तुम्हारे मैनेजर ने तुम्हें बताया सारी गलती तुम्हारी है है ना तुमने पूरा मीटिंग खराब कर दिया तो तुम उनसे क्या कहते हो सर मैं आपको आराम से सारी बात समझाता हूँ तो यानी अब आप तुम डिटेल में चीजें बताओगे राइट तो कैसे बोलोगे सर अला टू पेंट अ विविथ पिक्चर फॉर यू यानी कि आप मुझे मौका दीजिए मैं आपको एक एक बात समझाता हूं डिटेल में है ना तो इसको यूज करो नेक्स्ट देखिए, वी स्टैंड एट द प्रेसिपिस ऑफ एन एक्स्ट्रॉडिनरी अपॉर्चुनिटी। कई बार होता है अगर तुम टीम के हेड हो या तुम सीनियर एम्प्लॉई हो या तुम मतलब है, मालिक का भरोसा तुम्हारे ऊपर और उसने तुम्हें और तुम्हारी टीम को एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया है तो तुम क्या कहते हो यार ये हम लोगों का सबसे बड़ा मौका हो सकता है हम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एक बहुत बड़े अवसर के सामने खड़े हैं राइट शुरुआत हो सकती है यहां से जिंदगी बदलने की तो आप वहां पर बोल सकते हैं वी स्टैंड एट द प्रेसिपिस ऑफ एन एक्सट्रॉर्डिनरी अपॉर्चुनिटी अब अगर तुम एक्सट्रॉर्डिनरी को बोलोगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपरचुनिटी तो तुम्हें खुद भी हंसी आ जाएगी है ना मैं क्यों ऐसे बोल के दिखाती हूँ किसी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं बस ये समझाने के लिए कि बेटा अगर आप ऐसे बोल रहे हो तो कल को आपको खुद लगेगा कि यार मैं लोगों की भीड़ में सबसे खराब क्यों साउंड कर रहा हूँ है ना तो कोशिश करो कि क्लियर बोलो आराम से बोलो धीरे धीरे बोलो पर अच्छा बोलो नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं गाइज लेट्स ब्रिज द गैप बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियालिटी आज तक जो तुमने सिर्फ अपनी कल्पना में सोचा होगा वो मैं तुम्हारी सच्चाई बनाने जा रही हूँ राइट right? तो तब मैं तुमसे कहती हूँ लेट्स ब्रिज द गैप यानी अभी तक तुम्हारी कल्पना और तुम्हारी सच्चाई में जो दूरी थी जो गैप था आओ उसको खत्म कर दे तो हम कैसे कहते हैं लेट्स ब्रिज द गैप बिटवीन योर इमेजिनेशन एंड रियालिटी यानी कि जो तुमने सोचा है वही तुम्हारी सच्चाई बना देंगे तो जब भी आप किसी को इस तरीके से मोटिवेट करना चाहते हो किसी को बताना चाहते हो कि मैं तुम्हारी ब्यूटिफुल रियालिटी क्रिएट करने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूं तो इस तरह से आप अपने सेशन को अपने सेमिनार को अपने वेबिनार को स्टार्ट कर सकते हो मूविंग ऑन एवरी वन टूगेदर वी कैन स्टार्ट अ कोर्स फॉर सक्सेस अभी बहुत सिंपल है हम लोग कहते नहीं आओ एक प्लान बनाते हैं ताकि हम लोग सक्सेसफुल हो जाए अब हमने कितना सिंपल बोला लेट्स मेक अ प्लान सो सो वी बिकम सक्सेसफुल है ना और टू टू बी सक्सेसफुल एट समथिंग तो इसकी जगह हम कह रहे हैं टुगेदर साथ में वी कैन चार्ट अ कोर्स फॉर सक्सेस यानी कि हम लोग बना सकते हैं एक रास्ता सफलता के लिए टुगेदर एक स्टूडेंट और एक टीचर साथ में हम सफलता के लिए एक रास्ता बना सकते हैं निर्धारित कर सकते हैं क्रिएट कर सकते हैं एटसेट्रा मूविंग ऑन एवरी वन आई रिस्पेक्टफुली होल्ड अ डिफरेंट परस्पेक्टिव ऑन दिस मैटर देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सामने वाले को कहना होता है कि सर आप सीनियर ज़रूर हैं लेकिन हो सकता है कि आपकी बात यहाँ पर गलत हो और इसीलिए मैं आपसे सहमत नहीं हूँ अगर आप कभी अपने सीनियर से या अपने क्लाइंट से या फिर एक इंटरनेशनल बैठे क्लाइंट से बात कर रहे हैं और आपको ये कहना है कि नहीं सर मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं और ऐसे कहना है कि ताकि उसे बुरा भी ना लगे तो आप कैसे बोल सकते हैं आई रिस्पेक्टफुली होल्ड अ डिफरिंग परस्पेक्टिव ऑन दिस मैटर इस मुद्दे पर मेरा नजरिया आपके नजरिए से अलग है तो कैसे बोलेंगे मेरे साथ कहिए आई रिस्पेक्टफुली होल्ड अ डिफरिंग परस्पेक्टिव ऑन दिस मैटर और एकदम डर गए हैं ऐसे बोलिए कि आप गंभीर भी लगे साथ ही साथ ये भी लगे कि हाँ आप मैटर को समझ रहे हैं उसकी डिफिकल्टी को पहचान रहे हैं दिस सिचुएशन अपियर्स टू प्रेजेंट अ कंसिडरेबल चैलेंज यानी ये जो स्थिति है ये तो काफी चुनौतीपूर्ण लग रही है सो दिस सिचुएशन अपेयर्स टू प्रेजेंट अ कंसिडरेबल चैलेंज आप कह सकते हैं जब आप एक कठिन स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं या लोगों को बता रहे हैं उसके बारे में मूविंग ऑन एवरी वन आई मैटर यानी कि जैसे तुम लोग कहते हो मैम मुझे हमेशा से इंग्लिश बोलने में परेशानी हुई है मैम मुझे हमेशा से पब्लिक स्पीकिंग में परेशानी हुई है तो इसी बात को थोड़ा स्टाइलिश तरीके से बोलो कैसे बोलोगे टाइम लगेगा बट जब पंद्रह बार इसको प्रैक्टिस कर लोगे ना अगली बार ऑटोमेटिकली से यही निकलेगा मैम आई हैव चैलेंजेस डीलिंग विद दिस मैटर यानी कि इस मसले को हैंडल करते वक्त टैकल करते वक्त मुझे हमेशा परेशानी हुई है परपेली का मतलब शुरुआत से अब तक लगातार आई हैव एनकाउंटर्ड चैलेंजेस वाइल डीलिंग और वेन डीलिंग विद मैटर ये आपका सेंटेंस है तोड़कर समझोगे एकदम आसान है धीरे धीरे बोलो अच्छा बोलो कॉन्फिडेंटली बोलो नेक्स्ट देखते हैं लेट्स हार्नेस द पावर ऑफ पॉजिटिविटी एंड ट्रस्ट हम हमेशा अपने दोस्तों को ये कहते हैं कि भाई देखो पॉजिटिव रहो उम्मीद रखो हारो मत और थोड़ा विश्वास करो अपने टीचर्स पे या अपने बड़ों पे या अपने बॉसेस पे अपनी टीम पे किसी पे भी ठीक है तो कई बार अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए हम वो कहते हैं यार यकीन रखो भरोसा करो चीजें अच्छी हो जाएंगी पॉजिटिव रहो डरो मत तो हम कहते हैं कि भाई देखो भरोसे पे और पॉजिटिविटी पे इनको मिला करके ना हम एक अच्छा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं एक अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं इनकी मदद से तो वहाँ पर हम कहते हैं लेट्स हार्नेस द पावर ऑफ पॉजिटिविटी एंड ट्रस्ट आओ मिल करके पॉजिटिविटी और ट्रस्ट की शक्ति को यूज़ करते हैं ठीक है इस तरह से आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं Next and the the last one is, as we navigate uncharted Uncharted waters, let's embrace the winds of change. मतलब क्या होता है जो तुमने पहले कभी एक्सप्लोर नहीं किया है तुमने पहले कभी नहीं देखा है मुझे पता है ये सारे फ्रेजेस बहुत एडवांस हैं आपके लिए पर आप एक एक वर्ड तो उठाओ यहां से आप वन बाय वन दस दिन में ये दस सीखो तुम एक दिन में सारे नहीं बोलने लगोगे जब भी तुम कोई नई चीज करने जा रहे हो जैसे तुम तो और तुम्हारे भाई बहन पहली बार इंग्लिश मीडियम स्कूल में गए या पहली बार किसी बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करने जा रहे हो तुम तो तुम अपने घर वाले को समझाते हो घर वालों को समझाते हो कि भाई मम्मी पहली बार ही हम ऐसा कर रहे हैं तो देखिए कुछ बदलाव तो आएगा ही और बदलाव को स्वीकार करना चाहिए बस यही बात हम अंग्रेजी में कह रहे हैं as we navigate uncharted waters क्योंकि हम एक ऐसी टेरिटरी में जा रहे हैं ऐसे इलाके में जा रहे हैं जहां पर हम पहले कभी नहीं गए हैं लेट्स एम्ब्रेस द विंड्स ऑफ चेंज आइए मिलकर के बदलाव की का जो ये रुख है बदलाव की जो ये दशा है इसको स्वीकार कर लेते हैं तो इस तरह से बात करना सीखो किसी चीज को स्वीकार करना हम उसे एम्ब्रेस भी बोलते हैं तो ये सारे words, बट क्यूँ नहीं कर रहे, हैं। But, नहीं कर रहे हैं? आप बिल्कुल करिए टॉक लाइक इट मैटर्स ऐसे बात करो कि लोगों को लगे कि भाई कोई बात कर रहा है बात में दम है सुनो इस बंदे को समझे तो मतलब अपने ऊपर भरोसा रखो अपने ऊपर काम करो यू नीड टू शो दैम द रियल यू द केपेबिलिटी दैट इज हिडन इन साइड यू इट right? तो दूर से देख के तुम्हें कोई जज ना कर पाए है ना तुम्हारी बातों में इतना दम हो कि बस मजा आ जाए तो जितने मेरे दोस्त यहां पर इस क्लास को देख रहे हैं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए सबसे पहली चीज कि आपको इस तरीके की क्लासेस रेगुलरली शाम सात बजे मिलती है चाहे ग्रामर हो वोकेबलरी हो सेंटेंसेज हो वर्ड्स हो जो भी आपको रिक्वायरमेंट होता है तो आप सबसे पहले इसको लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे ऐसे स्टूडेंट्स जो कि एक टाइम पर नहीं आ सकते क्योंकि उनका ऑफिस है क्लास है कॉलेज है घर पे जिम्मेदारियां हैं तो उनके लिए हम लेकर के आए हैं हमारा रिकॉर्डेड अमेजिंग बैच कल की इस बैच में आपको 50 प्लस आर्स की क्लासेस मिल रही हैं, जिसमें ग्रामर वोकेबलरी स्पीकिंग प्रैक्टिस सेंटेंसेस, इडियम्स फ्रेजेस ये सब कुछ मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ और अभी अगर आप आज से लेकर कल दस जुलाई शाम आठ बजे से पहले कभी भी इसमें एडमिशन लेते हो तो इस बैच का जो प्राइस है फाइव फिफ्टी टू रुपीज इसी प्राइस में आपको दो और चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी पहली चीज पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है लाइफ को लेकर तुम्हारा माइंडसेट कैसा है तुम्हारी टोन तुम्हारी वॉइस तुम्हारा हैंडशेक तुम्हारी ड्रेसिंग तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन ये सब कैसे हैं हम इन पर भी काम करेंगे और ये पांच घंटे की क्लास बिल्कुल फ्री है कल की के साथ और उसके बाद इंटरव्यू प्रिपरेशन तुम्हारा पब्लिक इंटरव्यू है यानी सरकारी नौकरी का इंटरव्यू है या प्राइवेट सेक्टर का इंटरव्यू है उसके लिए भी हम आपको फाइव आवर्स की लाइव क्लास बिल्कुल फ्री दे रहे हैं इतना अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा तो इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दो फाइव फिफ्टी टू रुपीज में ये तीनों चीजें मिल रही हैं लेकिन सिर्फ दस जुलाई शाम आठ बजे तक ये ऑफर वैलिड है उसके बाद ये दोनों चीजें ऑटोमेटिकली हट जाएंगी फाइव हंड्रेड फिफ्टी टू रुपीज में आपको सिर्फ आपका ये बैच मिलेगा जो कि बहुत है अपने आप में लेकिन अगर कोई इतनी अच्छी चीज आपको मिल रही है तो आप उसे क्यों छोड़ोगे आपका मैक्सिमम डिस्काउंट का कोड है वाई वन सिक्स नाइन आप इस बैच को परचेज कैसे करोगे देखो एक तो सीधा फंडा है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कलकी का लिंक हमने लगा दिया है तो या तो आप उस पर चले जाओ ठीक है या तो फिर आप एक काम कर सकते हो कि आप आ सकते हो अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन डॉट कॉम पर अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन डॉट कॉम पर जब आप आएंगे तो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिख रही है यहां लिखा है एक्सप्लोर बाय एग्जाम्स अब एग्जाम में जाओगे तो बैंक एस एस सी इसी लिस्ट में तुम्हें नीचे दिखता है स्किल डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट में स्पोकन इंग्लिश आ गया अब इसमें जब आप एकदम नीचे चले जाएंगे वीडियो कोर्स क्योंकि फ्रेश वीडियो कोर्स है सबसे अलग दिख रहा है यहां आ जाइए और यहां पर फटाफट से आप अगर मेरा कोड लगाएंगे व्यू ऑफर तो क्योंकि अभी वैलिडिटी वगैरह भी बढ़ गई है भाई हर चीज की Y169 जब आप कोड लगा रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं तो फिलहाल तो ये आपको सिर्फ फाइव हंड्रेड फोर रुपीज में मिल रही है तीनों चीजें अभी तक फाइव फिफ्टी टू था लेकिन ये अगले तीन दिन तक तुम्हारे पास पांच सौ रुपए में अवेलेबल है क्योंकि अक्रॉस अड्डा हर चीज पे तीन का दम कैंपेन चल रहा है तो सबसे पहले तो वो तुम्हें कल की बैच में दिख गया है तो जल्दी से जाओ कल की बैच में एडमिशन लो सिर्फ पांच सौ रुपये में स्पोकन इंग्लिश कॉन्फिडेंस ग्रूमिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इंटरव्यू प्रिपरेशन हर चीज है दोस्त क्यों बहाने बना रहे हो भाई इसमें एडमिशन लो वैलिडिटी सिक्स मंथ्स दिख रही है एक और बात बता दूं अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि हमारे साथ यहां पर जुड़ा है और उससे हम लोगों का ये एस इंग्लिश गोल्ड पैक लेना है इसके अंदर तुम्हें हमारा लाइव बैच जो स्पीक इजी है वो मिल जाएगा एक्सेलेंस मिल जाएगा और नंदिनी मैम का फ्लुएंसी फर्स्ट बैच तीनों चीजें एक जगह मिल जाएंगी वो कैबलरी की ई बुक मिल जाएगी लेकिन कल की गोल्ड पैक में शायद नहीं है कल की जो फ्रेश बैच है वो नहीं है गोल्ड पैक में तो अगर आप गोल्ड पैक लेते हो तो गोल्ड पैक पे भी देखो अभी आपको दिखा रहा है सेवनटीन नाइनटी नाइन पर मेरे कोड से ये और कम हो जाएगा आप व्यू ऑफर पर क्लिक करो और अपना कोड लगाओ वाई वन सिक्स नाइन और इसको अप्लाई कर दो और देखो ये सोलह सौ बयालीस रुपए में तुम्हें एक्सीलेंस स्पीक इज मेरा पुराना वाला बैच फ्लुएंसी फर्स्ट नंदनी मैम का बैच वो कैबलरी की ई बुक और साथ ही साथ तुम्हारा मॉक टेस्ट जो होता है स्पोकन का सब कुछ एक जगह पर एस गोल्ड पैक में मिलेगा जो बच्चे कहते हैं कि कल की या स्पोकन इंग्लिश का कोई भी बैच बैंक महापैक या एस एस सी महापैक में मिल जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं होता है आप जल्दी से जाइए दोनों में से जो भी चीजें चाहिए एस गोल्ड पैक या कल जो भी चाहिए जाकर एडमिशन ले लीजिए अभी मुझे नहीं पता कि कल की इसमें इंक्लूडेड है या नहीं लेकिन अगर होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट पिन कर दूंगी ताकि आपको पता चल जाए कि इस गोल्ड पैक में कल की मिल रहा है या नहीं मिल रहा है थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द क्लास टूडे आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि देखो मैंने कहा यार एक तो मैंने पढ़ाया भी तुम्हें बहुत जरूरी चीजें हैं साथ ही साथ मैंने तुम्हें कलकी के बारे में बता दिया है और दो और सॉलिड चीजें क्योंकि दस जुलाई शाम आठ बजे तक मिल रही है तो मौका मत चूको वाई वन इन कोड याद रखो जल्दी से एडमिशन ले लो और हां मिलते हैं तुमसे पेड बैच में थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट बाय बाय